हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपको पता है, आपको आज रोल नंबर की न्यूज आनी थी कि रोल नंबर आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, और जो मैं ये अपडेट करूँ ऑथेंटिक है। इस चीज को देखने के लिए मैंने खुद 10 बार ट्राई करा। हालांकि आपने भी हो सकता है ट्राई किया होगा कि मैं लिख के आ रहा हूँ नो रिजल्ट फाउंड, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत 5-10 मिनट एक बच्चे का मैंने रोल नंबर मंगाया, मतलब डिटेल मंगवाई उसकी। मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में हो तो इस पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको दिख जाएगा कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम। तो बच्चे ने मुझे डेटा भेजा तो मैंने सब कुछ सही डाला, और जैसे सर्च डेटा पे जाता हूँ लिख के आ जाता है रिजल्ट नॉट फाउंड। ऐसा नहीं, आप सारी चीजें कैपिटल लेटर में लिखना, स्टूडेंट नेम कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम कैपिटल लेटर में, मदर, सब कुछ कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ अपनी सही डालना। सर्च डेटा करोगे 101% ऑथेंटिक है। मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया, 3-4 बच्चों को फिर उसके बाद चेक करा, सबका आ गया। तो बस ध्यान रखना, कैपिटल लेटर आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा, सिर्फ दिक्कत आ रही होगी वो रिजल्ट की, ठीक है? तो आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा। सेंटर का भी हालांकि पता नहीं, जैसी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले करूंगा। अब ये वेबसाइट जो है वो है cbseit.in। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करना, गूगल पे डाल देना रोल नंबर फाइंडर, रोल नंबर फाइंडर डाल देना, सबसे ऊपर आ जाएगी ये वेबसाइट, और ये आप आराम से चेक कर सकते हो। सिमिलर क्लास 12th के देख सकते हैं, ठीक है? फिलहाल हमारे पास 10th के बच्चे, 12th के जो भी हों आप चेक कर लेना, बहुत ईजिली मिल जाएगा। बस कैपिटल लेटर ध्यान रखना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। टू लास्ट में की बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, धन्यवाद।